कि ये बीजेपी की जो सरकार है ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जिस तरह से जो हरकत इन लोगों ने इनके कार्यकर्ताओं ने उस दिन करी इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अगली रणनीति क्या होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये ऐसी हरकत की? देखिए हमारी रणनीति तो यही होगी कि हम लोग पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा देने में ये नाकाफी रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम लोग इनकी मांगे पुरजोर तरीके से उठाएंगे और जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। एक तो ये बताएं कि काले झंडे ये महिलाओं को दिखा रहे थे, या मैं दोषी हूं या मैं क्रिमिनल हूं, या किस बात पे पहले तो काले झंडे का उसका जवाब दे दें। नंबर दो, ये बता दें कि उन्होंने गाड़ियां क्यों तोड़ी? क्या हमारी महिलाओं से भरी हुई जो जो बस थी उसमें महिलाओं पे डंडे मारे, गाड़ियां तोड़ी? नंबर तीन, ये बताएं कि जो हमारी महिला सरपंच थी उस पर कोई मुकदमा था या हमने कोई गैर कानूनी काम किया है? तो मेरा ये कहना है कि सरकार को इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए। नंबर दो, हमने एसपी का यहां से तबादला होना चाहिए और बाहर का कोई एसपी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और एसएचओ को निलंबित किया जाए और डीएसपी को भी निलंबित किया जाए, क्योंकि उन्होंने वहां पर मौके के ऊपर, जबकि इन्होंने रात के 12 बजे इन्होंने जो है कंप्लेंट वहां पर दर्ज कर दी थी कि हमें खतरा है और इनके पास धमकी आ रही थी, तो हम ये चाहते हैं इसकी बकायदा जो है इंक्वायरी होके इनके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरा जो कार्यक्रम था वो महिलाओं से संबंधित था, और कौन थे वो लोग जिन्होंने झंडे दिखाए, देखिए पीछे थोड़े? ऐसा है कि वो कुछ गांव के लड़के थे, उनमें से एक उनका सचिव है बीजेपी का, क्या नाम उसका? विजय। विजय वो सचिव है बीजेपी का और वो बीजेपी के नारे लगा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि क्या कारण है इसका, सतीश यादव जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा पिछली बार वो थाने में क्यों गया? आफ्टरऑल क्या उसको हमदर्दी थी, ये बता दें मेरे को। और सरकार ने अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसका जवाब सरकार दे दे। और उल्टा कहते हैं कि भाई महिलाएं का प्रोग्राम हमारा, हम जो है या तो हम अगर सत्ता में होते तो हमें काले झंडे दिखाते, विपक्ष में काले झंडे दिखाने का मकसद क्या है? उसका मकसद हमें बता दे कि बीजेपी के लोग जो हैं, इनका जो प्रधान है वो बता दे कि हमें काले झंडे क्यों दिखाए। पीए यहाँ का वो एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, हम अब चाहते हैं इसकी बदली होनी चाहिए यहाँ से। अगर चुनाव में ये रहा तो यहाँ निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल ही होंगे। कल हमारा धरना है, अभी हम मेरे ख्याल से हम 10:30 बजे कल का हम टाइम दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, धरना हमारा वहां पर होगा। तो हमारी यही मांगे हैं कि एक तो एसपी को यहां से बदला जाए, नंबर दो एसएचओ और डीएसपी को निलंबित किया जाए, नंबर तीन ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, नंबर चार कि मकसद क्या था काला झंडे दिखाने का, और एक महिला सरपंच के खिलाफ आज वो भी भय के वातावरण में है।